सुजानपुर टीहरा नगर परिषद में आज अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एक बार फिर से अशोक मेहरा को अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। मतदान में भाजपा के उम्मीदवार अशोक मेहरा ने भाजपा की बागी उम्मीदवार सुमन अटवाल को नाटकीय ढंग से 5 के मुकाबले 4 मतों से हराया। सुजानपुर टीहरा नगर परिषद में आज अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एक बार फिर से अशोक मेहरा को अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई और दोपहर 12 बजे हुए मतदान में भाजपा के उम्मीदवार अशोक मेहरा ने भाजपा की बागी उम्मीदवार सुमन अटवाल को नाटकीय ढंग से 5 के मुकाबले 4 मतों से हराया। चुनाव अधिकारी व उपमंडल अधिकारी शिल्पा बेगटा के समक्ष अध्यक्ष पद के लिए आज सुबह 2 पार्षदों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा, जिसमें भाजपा की बागी उम्मीदवार सुमन कटवाल और भाजपा से अशोक मेहरा को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने वोटिंग करवाने का निर्णय लिया। वोटिंग के दौरान एक पार्षद द्वारा गलत मत डालने के कारण दोनों पार्षदों को 4-4 मत पड़ गए, जिसके कारण पार्षदों ने दोबारा से पर्ची सिस्टम करवाकर मत करवाए, जिसमें 5 पार्षदों ने अशोक मेहरा के पक्ष में वोटिंग करवाकर वोट उन्हें अध्यक्ष चुन लिया। वोटिंग के दौरान सुमन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ। चुनाव के बाद सुमन ने कहा कि भाजपा की सरकार और दबाव के बावजूद 5 के मुकाबले 4 मतों से जीतना कोई बड़ी जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की सदस्य है और रहेंगी। साथ ही तो फिर दबाव क्यों नहीं है? दबाव भाजपा मैडम, आप भाजपा मैं अभी भी हूँ, क्यों नहीं? वोट मिले वो मिले, कोई जीत नहीं है। सरकार और पार्टी के होते हुए 4-4 वोट लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये जीत राजेंद्र राणा जी की है और 4 मत डालना जो राजेंद्र राणा के इसमें है, पाले में जाते हैं। बीजेपी अपने लिए बहुत बड़ा, ये ना समझे इतनी सरकार। सर, आपने आज मतदान भाजपा पक्ष के पाले में किया है, तो क्या कारण लगता है सर आपको? पहले आप अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे, अब द्वारा से आपने मतदान आज किया है। मेरी पहले की स्टेटमेंट देखिए आप, जो एस्टूडियो में आपने ली थी, तो मैंने कहा था जो भी अध्यक्ष बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा, धूम जी के आशीर्वाद से बनेगा। कुछ गलत फहमी थी वो दूर हो गई, फिर अशोक मेहरा जी अध्यक्ष बने हैं, इसमें तो किसी को गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। बीजेपी का ही बना, धूमल जी का बना, नगर परिषद। सर, उपाध्यक्ष जो चुनाव होगा उसमें भी क्या बात? कमलेश कुमारी जी बनेगी। कमलेश कुमारी सूचना दे रहे हैं अभी कि सुमन अटवाल को जो है बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, और जो एक वोट रद्द किया गया वो भी कांग्रेस का आदमी है, मंडलाध्यक्ष, और बीजेपी उस पर कार्रवाई करते हुए उसको भी तुरंत निष्कासित किया पार्टी से करें, क्योंकि बीजेपी का आदमी है वो, कांग्रेस का साथ दे रहा है और उसको भी पार्टी से निष्कासित किया। अब क्या गारंटी है सर कि उपाध्यक्ष के जो चुनाव आएंगे उसमें ये लोग फिर इकट्ठे रहेंगे कि फिर आगे पीछे हो जाएंगे? चट्टान की तरह इकट्ठे हैं, और आज तो चट्टान तो शहर के लोग जानते थे कौन लोग आए थे और क्यों आए थे, किस मकसद से आए थे, ये आज सब सबके सामने जाहिर हो चुका है।